गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 9 है, अनुक्रम एवं श्रेणी। इसमें हमने जो नया टॉपिक आज पढ़ना है वो है गुणोत्तर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन। यदि पदों का गुणनफल ज्ञात हो तो तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार माने ए अपॉन आर ए ए आर, चार संख्याएं ए अपॉन आर की पावर 3 ए अपॉन आर ए आर ए आर की पावर 3, पांच संख्याएं ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए ए आर ए आर स्क्वायर। तो ये कब मान लेंगे, ये सब संख्या जब मान लेंगे जब हमें गुणनफल ज्ञात हो, हमारे क्वेश्चन में क्रमागत पदों का गुणनफल दिया हुआ हो तो ये माननी चाहिए। उनसे क्वेश्चन इजी होता है गुणनफल से, इनको गुणनफल में मानने का कारण ये है कि जैसे ही हम इन पदों की गुणा करते हैं इसमें आर कैंसिल हो जाता है और हमें आसानी से ए का मान प्राप्त हो जाता है। यदि गुणनफल ज्ञात न हो तो फिर हमारी श्री चलेगी ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4, फिर तो कंटिन्यूअस चलेगी श्री। फिर इसमें तो तीन पद लेने थे हाथ ले लेंगे, चार पद लेने तो एक पद और बढ़ा लेंगे आगे, पांच पद लेने थे हाथ ले लेंगे, छह पद लेने थे हाथ ले लेंगे। तो ये तो जब है गुणनफल ज्ञात न हो। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 9.9 के का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है यदि के प्लस 9 के माइनस 6 तथा 4 गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमने मान लिया के प्लस 9 के माइनस 6 4 गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया। हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी में सर्वानुपात बराबर होता है, तो सर्वानुपात इक्वल टू आर इक्वल T2 upon T1, T3 upon T2, इनकी वैल्यू रख दी, क्रॉस गुणा कर दी, T2 की वैल्यू यहां से K माइनस 6, T1 की वैल्यू K प्लस 9, T3 की वैल्यू 4 और T2 की वैल्यू K माइनस 6, क्रॉस गुणा K माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 K प्लस 9, ये क्रॉस गुणा होगी। इसका फार्मूला खोल लेंगे, A की तो B की तो माइनस 2AB, इसमें अंदर गुणा करेंगे 4 के प्लस 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, K स्क्वायर माइनस यहाँ थे 12 के, 4 के प्लस के इधर से इधर आ गए 16 के हो गए, K कॉमन ले लिया K माइनस 16। अब ये दो ब्रैकेट दो संख्याएं मल्टीप्लीकेशन में आ गई 0 के बराबर गुणा में। यदि K बराबर 0 तो एक तो वैल्यू यहाँ होगी, यदि k माइनस 16 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 16 तो k की दो वैल्यू प्राप्त होगी, k इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 16। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसके आगे क्वेश्चन कल लोग कराएंगे, आप कंटिन्यूअसली इसका काम करते रहिए अपने मैथ का और अपने मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ेंगे। ये हम डेली आपको बता रहे हैं ताकि आपके सुरक्षित रहें, हमारी पढ़ाई ठीक तरह से चलती। थैंक यू।